इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन हमारी है एक्स प्लस मॉड्यूलस वाई इज इक्वल्स टू 12, और एक हमारी दूसरी गिवन है मॉड्यूलस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब जिसको मॉड का मतलब नहीं पता है, मॉड का मतलब देखो क्या होता है। अगर मॉड के अंदर कोई टर्म है, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मॉड के अंदर कोई भी टर्म है ना, तो जब वो बाहर निकलता है, मॉड से हटता है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। पहले ही पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। मॉड के अंदर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव टर्म है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये मॉड का मतलब हो जाता है। अब इसमें हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसको क्या होना चाहिए, सॉल्व करके, मतलब एक्स और वाई के कितने पेयर्स बन रहे हैं हमें ये बताना है। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये जो पहली इक्वेशन है ना, इससे दो केसेस बनेंगे। एक तो जब क्या हो सकता है, वाई पॉजिटिव हो सकता है, वाई पॉजिटिव होगा तो एक्स प्लस वाई 12 रहेगा, लेकिन अगर वाई नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये निकल आएगा। अब इससे भी दो केसेस बनेंगे, ये वाली है हमारी पॉजिटिव वाली और ये यहाँ से नेगेटिव वाली। यहाँ से भी एक पॉजिटिव वाली निकलेगी जिसमें एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 16 होगा, और एक नेगेटिव वाली हो जाएगी जिसमें माइनस एक्स प्लस वाई कितना रहेगा, 16 रहेगा। तो अब देखो, एक केस हमारा बनेगा प्लस प्लस वाला पॉजिटिव पॉजिटिव का, एक नेगेटिव नेगेटिव का, एक पॉजिटिव नेगेटिव का, एक पॉजिटिव नेगेटिव का, और एक नेगेटिव पॉजिटिव का। ठीक है, ये केस बनेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों की पॉजिटिव इक्वेशन उठानी, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। दोनों की नेगेटिव उठाएंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। फिर अब यहाँ से हम अगर एक पॉजिटिव, मतलब पहले वाले की पॉजिटिव इक्वेशन बनाए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और दूसरे की नेगेटिव उठाएं, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। पहले वाले की नेगेटिव मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12 और दूसरे वाले की पॉजिटिव मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब सॉल्व करके देखोगे ना तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है, एक्स प्लस वाई की 16 है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब एक को ऐड कर, दो को ऐड करे 12 आ रहा है, एक बार दो को ऐड करे 16 तो पॉसिबल नहीं, तो ये तो कट जाएगा। फिर अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऐड करूंगा तो ये तो दोनों ही कट जाएंगे, एक्स माइनस एक्स कट गए, वाई माइनस वाई, तो ये भी नहीं हो सकता। इनको अगर मैं सॉल्व करके देखूँ तो अगर मैं इन इक्वेशन को ऐड करूँ तो एक्स और एक्स कैंसिल होगा, वाई प्लस वाई, 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 14 निकलेगी। अच्छा, अगर वाई की 14 है, वाई की 14 आ गई, तो इस इक्वेशन में अगर मैं डालूंगा तो एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस 2 आ चुकी है। ठीक है, तो माइनस 2 कॉमा 14, ये मेरा एक आ गया। ठीक है, एक पेयर आ गया। अच्छा, इनको अगर सॉल्व करूँ तो ये कैंसिल होएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 28, या फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14। एक्स की वैल्यू 14 आ गई, अगर इसमें इक्वेशन पुट करूँ 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 12, या फिर वाई की वैल्यू आ गई माइनस 2, मतलब एक हमारा हो गया 14 अप कॉमा माइनस 2। तो देखो दो पेयर बन रहे, एक हमारा ये बन गया और एक हमारा ये बन गया। अब इसमें वैल्यू डाल के भी देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा। हम लोग वैल्यू डाल के देखते हैं, मतलब फर्स्ट पहले ये ट्राई करते हैं, एक्स के बदले माइनस 2 प्लस वाई मॉडुलस 14 है, तो वो तो 14 ही होगा, ऐड करके इनको कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। सही है, 14 माइनस, अगर इसमें डालू तो मॉड्यूलस एक्स मतलब माइनस 2 मॉड में, और वाई की वैल्यू कितनी है, 14, तो ये तो 2 ही बन जाएगा मॉड में, तो 2 प्लस 14 16 देगा, मतलब हाँ ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम दूसरी वाली सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर ले रहे हैं ऐसे ही क्लैरिफिकेशन के लिए कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है। जब हम दूसरी वैल्यूज डालेंगे, मतलब एक्स के बदले 14 और वाई के बदले माइनस 2, तो ये तो मॉड में है ना, इज इक्वल टू 12, तो ये मॉड में है तो कितना सेटिस्फाई करेगा, क्या 14 प्लस 2, हाँ भाई ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्स तो मॉड में 14 और वाई की वैल्यू माइनस 12, 12 नहीं आ रहा। अगर इसमें भी डाल दूँ तो ये तो 14 हो गया, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2 आ रही है, तो ये भी 16 नहीं जा रहा है, 14 माइनस 2 12 बन जा रहा है, तो हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। वैसे लग रहा था कि हाँ वहाँ पे सॉल्व करने में आ रहा था, तो ये चेक करके भी हमने देख लिया कि ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारा सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा।